आपका रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में आज एक दिल दहला देने वाली वारदात हो गई, जहां एक भाई ने अपनी ही सगी बहन को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि भाई ने बहन को उसके प्रेमी के साथ संदिग्ध अवस्था में देख लिया और जब उसने उसको आपत्तिजनक अवस्था में देखा तो उसका खून खौल उठा और उसने गोली मारकर अपनी सगी बहन को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, साथ में मौजूद प्रेमी को भी उसने दो गोलियां मारी। दिल दहला देने वाली यह वारदात जलालाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम ककराहा की है, जहां भाई ने बहन को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखा और दोनों को गोली मार दी। प्रेमी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी मृत्यु हो गई, जबकि युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। युवती के सर पर गोली लगी है, जबकि युवक के सर के पीछे के हिस्से में और उसके पेट में गोली लगी है। प्रीति वर्मा पुत्री हाकिम सिंह तथा सोनू वर्मा पुत्र राम शरण का मकान आसपास में है। बताया जा रहा है कि सोमवार को सोनू अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा, इसी बीच प्रीति का भाई मुलायम वहां पहुंच गया और दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखकर उसका खून खौल उठा तथा तैश में आकर दोनों को गोली मार दी, जबकि दोनों पक्षों का एक दूसरे पर हमला करने का आरोप है। मृतका प्रीति की मां का कहना है कि सोनू अपने परिजनों के साथ घर में घुसाया और उनकी छत पर चढ़कर फायरिंग की और ईंटें फेंकी, जिससे प्रीति के पिता हाकिम के पैर में गोली लगी। वहीं प्रेमी सोनू के परिजनों का कहना है कि वह दोपहर में साइकिल से घर खाना खाने आया तो प्रीति के भाइयों सतीश, राजीव, मुलायम, नरसिंह व उसके पिता हाकिम ने उसे जबरन अपने घर के अंदर खींच लिया और गोली मार दी तथा केस बनाने के लिए हाकिम सिंह ने अपने पैर में भी गोली मार ली। सोनू के माता पिता का यह भी कहना है कि दोनों के लिए प्रीति के घर वाले शक करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि रविवार की रात प्रीति घर से गायब हो गई थी तथा सुबह 4 बजे उसके घर वाले उनके घर पर आए थे। उस समय उनका बेटा सोनू घर पर सो रहा था। इसी बीच प्रीति कहीं से वापस घर पर आई। सोनू के परिजनों का कहना है कि प्रीति के घर वालों को संदेह था कि उसके नाजायज संबंध सोनू से हैं, इसी वजह से उसे गोली मार दी, जबकि पुलिस की जांच व अन्य सूत्रों से पूछताछ करके यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रीति व सोनू के बीच में प्रेम संबंध था और आज मौका पाकर सोनू प्रीति के घर में घुस गया। इसी बीच उसका भाई मुलायम आ गया और उसने उनको आपत्तिजनक अवस्था में देखा तथा तैश में आकर गोली मार दी। उधर घायल हालत में प्रीति के पिता ने इस बात को स्वीकार किया कि प्रीति और सोनू के आपस में प्रेम संबंध थे। उधर घटनास्थल से मुलायम तथा उसके भाई फरार हो गए हैं, जबकि हाकिम सिंह को घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज में पुलिस ने भर्ती कराया है। जलालाबाद से रिसेंटली न्यूज के लिए आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। क्यों आपके बेटे को गोली मारी गई, कैसे मारी गई? हमारा बेटा खाना खाने आया था दोपहर में, तो खींच के ले गए वो लोग पड़ोसी और घर में ले जाके मार दिया। कौन लोग, किन लोगों ने मारा? हाकिम वकील ने, हाकिम और उनका लड़का सुशील है, एक राजीव है और एक नरसिंह है, ये लोग हैं। मुलायम है, किसी के नाम है? मुलायम है, मुलायम सिंह। मारा किसने? मारा अंदर ही मारा, बंद करके बंद कर दिया। साइकिल उसकी बाहर पड़ी है गेट पे और सब लोग ले गए उसे अंदर खींच के साइकिल ही पैसे। अच्छा, क्यों मारा, क्या क्या घटना, क्या क्यों ऐसा, क्यों कोई रंजिश, कोई वजह? कोई परसों वाले दिन रात में लड़की उनकी गायब रही होगी, घर से कहीं भी गई होगी किसी के पास, और जब नाम हमारे लड़के का लगा रहे थे, बल्कि लड़का घर पे ही सो रहा था, फिर बहुत देर बाद देख भी गए, सब लोग घर में थे। वो लोग आपके घर पे आपके लड़के को देखने आए थे क्या? देखने आए थे, लड़का सो रहा था,
अच्छा, और उनकी हाँ, लड़की घर से गायब थी। उनकी लड़की घर से गायब थी, फिर आ गई होगी तो फिर ले गए। फिर हम आ गई, हमारे सामने लड़की आई, बाहर से आई, आई उनके मम्मी के पास। हमारे घर में सब लोग थे, उन्हीं के पास आई बात के, हमारे गेट से बात बात की आई। गाड़ी में बैठा ले गए। नहीं, आपके घर के अंदर रहे या बाहर से आई? बाहर से आई गेट। अब वो अब नरसिंह आए सड़क पाए थे, वहीं पे उन्हीं से वो लोग पूछ रहे थे, हमने किले अब आ गई, लड़के का नाम लगा रहे थे। अब इससे पूछो कहाँ से मुंह काला करके आई अपना, अब काटो मूड इसका। हमने कही तो नरसिंह कौन है? नरसिंह उन्हीं का भाई है, सड़क पे रहते हैं वो लोग, दुकान है उनकी डॉक्टर की। जिन लोग जो मुलायम है वो कितने भाई हैं? हाकिम के तीन लड़के हैं। हाकिम तीन लड़के हैं, एक मुलायम है, एक सुशील है, एक राजीव है, और नरसिंह जो है वो हाकिम के भाई का लड़का है, भतीजा है। हमारे सामने पूछो थे कहाँ से आई है, नहीं पूछा उनने सामने हमारे, ले गए उसे। अच्छा, बाद में लेकर के गए, मतलब जहाँ गई थी वहाँ लेकर के गए, क्या मतलब था? वो अपने अपने घर ले गए, सड़क वाले घर पे। अच्छा, दूसरे घर पे ले गए, वहाँ पूछताछ ले गए। हमारे सामने पूछते हैं तो हमें भी पता लगता कहाँ से आई है। अब तो तुम मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो, मार दिया लड़के को हमारे। हमारे सामने पूछते कहाँ से मुंह काला करके आई है। हम लटे हैं इसलिए दबा लेते हैं, मजदूरा है वो, है पैसे वाले, वो पैसा दे के कुछ भी लिखवा सकते। क्या हुआ आपके लड़के के साथ और किन लोगों ने उसे मारा, कैसे, क्या घटनाक्रम है? कल की रात, इसलिए तो हमारे भतीजे को ये साथ बुला के लाए कि लड़का कहाँ था, ताला खुलवाओ, लड़का है इनका नहीं है। तो वो आए, हमसे ताला खुलवाया, अंदर पहुँचे तो हम लड़के पूछा कि लड़का तुम्हारा सो रहा है? हमने हाँ सो रहा है। घर के अंदर आए, लड़का सो रहा, लड़का बोला तुरंत ही मोबाइल लगा रहा, तो लड़का बोला कैसा है, हम तो पापा घर पे हैं। तो हमने बताया भाई ये तो घर पे हैं, तो बोले लड़की हमारी तुमने गायब करी, पता नहीं किसके हाथ, तुम ला के दो। तो लड़का बोला हम क्या बताएं, हम कहाँ से ला गए, हमें क्या मालूम है। करते करते आधा एक घंटा हो गया, फिर आ गई। फिर कम से कम नहीं तो टाइम हो गया, तब वो लड़की आई अपनी मम्मी के पास बाहर से आई। फिर बाद में नरसी बैठे थे, नरसी ने अपनी गाड़ी बैठा ला, अपने घर पे ले गए। कहते रहे आपके घर पे, जब वो लोग पूछताछ करने आए तो उसके कितनी देर बाद वो लड़की वापस आई? आई होगी एक घंटे बाद आई होगी। क्या हुआ था? हम ईटों बैठे थे, हमारे देवर आ रहे थे खाना खाने, और एकदम उसके भाई थे, तीन भाई को मैंने देखा था, वो धकियाया एकदम और एकदम खींच के ले गए, फिर कुंडी लगा ली। हमने चाची को बात दिया कि चाची देखो सनुज को ले गए, और सनुज को ले गए, धकियाती रही चाची। जब हमने फैर चले चार पाँच, तो हमने देखा कि सनुज चले गए, फैर चले तो ऊपर भी गई चाची, और धकियाती रही कुंडी, किसी ने नहीं खोली। गड़सा उतार ऊपर फेंक के मारा चाची को, लगा नहीं नीचे गिर गया गड़सा, फिर धकियाते रहे कि मारा, फिर अपने आप कुंडी खोली, देखी दोनों मरे पड़े हैं। चाची ने हमारे देखा दोनों खून बहता, हमने दूर से देखा, हम वापस आ गए। राजीव था, मुल्ला थे, सुशील थे, ये तीन भाई हैं इनके, और हाकिम उनका पिता थे। अंदर ही ले गए, अंदर ले गए, वो साइकिल गिरी है, वो साइकिल गिरी है, दरवाजे से अंदर ही ले गए। हाँ, हमने अंदर गए, घबरा के हमने किया, अब ये क्या हो गया, तो मतलब जो गोलियां की आवाज आई। हमारी बिटिया लेटी थी, हमारे तीनों उतरिया लेटे थे, अगर हमारी बहू लेटी थी, बानऊ तो हमारा लड़की बानऊ था लेट हो, तो बीच में हमने दत्ती बिछाई ली, खटिया थी हम लेट थे, दत्ती में बिछाई ली पट्टी थी हम लेट थे, रजिया हमने ओढ़ी ली, तो पहले हमारी पोती नहीं गई थी, ओढ़ी भाग गई पैता पिन, उसने बिटिया पैता फिर कहीं दाते हैं, जब प्रीति बोली गई दादी अम्मा हम कहता फिरी, तो हमने कही बिटिया फिर हमारी टांग बिराती थी, तो हमने कही थी बिटिया हमारी टांग बिराती, टांग थी थी विजय दही हम आओ कहेंगे, और तुम पैदा फिर चलो तई बिटिया गई दुआरे पैदा बिन्न दही हम एकदम की कहीं बिटिया, तो हमने कही चढ़ाऊना मारने लगो बिटिया हमारी, तई हम बात के तई जाने जाके किवरियाँ जड़ पड़ानी, तई हमने कही आ जाके किवरियाँ जड़ पड़ानी लल्ला चाहे उठत ना ही हुए मिटिया जा घर में जाने कहीं चले, तई हमने जाई जा परा तुम्हारे घर के टेर के लिए नील हमने कह नील किवरियाँ बुलवाओ चले अपने चिच्चा के, मेरी मिटिया यहीं चली गए इन्ने किवरिया बै लौड़ा जो लौड़ा मरी वो सोई क्या नाम है तो खींच ली वो क्या हुआ आई फिर जब मल्लिका लाए तई जो भाजी को आई दैया
कहीं जाऊ और रोटी खाना हो कछु करना हो तो उन्हें कही जाऊ नारू मारे तमने घूमत यही गो कहीं जाओ मैंने तही जाऊ मैं बाजो मारने के लिए घर में मारो लड़का छोटो रोटी खाए कहीं बाने पकड़ो जाए मार दो। किसने मार दिया? जय धनु जय। किसने मारा? लड़का ने मेरे ते दैया दुंद मचो तही बाजी के तही जाके भैया ने उनके फैर मारी उनके घोड़े में लगी छत्ती माए। किसके मारी फैर? हमारे घरवान ने। क्या नाम है? किसने मारी? किसने? जय जाके भैया ने जो मरी हो ताके। क्या नाम है उनका? पवनू। एक प्रेम संबंधों के चलते यहाँ पे जो सनोज नाम का लड़का है वो और यहाँ पे प्रीति नाम की एक लड़की इनके बीच में ऐसा बताया जा रहा है प्रेम संबंध है उसके भाई के द्वारा इसको इसको इसके विरोध में गोली चलाई गई। घर के अंदर ये लड़का था वहाँ से और इसकी सिस्टर की डेथ हो गई जो प्रीति नाम है और इसको गोली लगी। इसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है और इसके फादर को भी लड़की के फादर को भी बताया जा रहा है जांघ में गोली लगी है। अभी प्राथमिकी जैसे मिलेगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की। किसने किसको मारा? मार कुटी की हो रही। किसकी? किसकी? हमारे लड़के की, हमारे पड़ोस की। तुम्हारे पड़ोसी? क्या नाम था पड़ोसी का? सन। अच्छा फिर वो वहाँ गया। अच्छा वहाँ गए हमारे अच्छा तो तुम्हारे गोली लगी तुम गिर गए तो तुम्हारी लड़की के गोली कितने मारी और उस लड़के की गोली कितने मारी? ये कांड तो हो चुका ना है? ये कांड हो चुका था। अच्छा ये बताओ तुम्हारी लड़की और उस लड़के का कोई संबंध था? ये भी नहीं मालूम हमको भाई ये तारीख मालूम हो तो बस था। कितने दिनों से था ये कैसे कह? तुम्हारी बेटी को अच्छा गोली किन्ने मारी? ये काम तो हो चुका हम बता रहे जब तुम बता जब आए तो तुमने किस अवस्था में देखा अपनी बेटी को? पड़ी हुई थी। तो परिवार वालों ने बताया कि तुम्हारी बेटी गोली किन्ने मारी? हम तो अंदर घुसे तुरंत ही हमारे लग गई। हम क्या तुम्हारे गोली किन्ने मारी? देखी नहीं हमने। किसी को तो देखा होगा। भीड़ लगी थी। उस परिवार का ये कहना कि हाकिम सिंह ने मेरे लौंडे से गोली मारी। उसकी माँ का ये कहना है कि हाकिम सिंह ने मारी। आपका नाम ले रही है वो। हम तो बाहर थे भाई। आप रिसेंटली न्यूज समाचार देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए जिससे सबसे पहले हमारे समाचार आप तक पहुंच सके। यदि कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है तो आप हमें बताइए, हम आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। यदि कहीं पे भ्रष्टाचार है तो हमें बताइए, हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे।